आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने मंगलवार को कहा कि दलहनों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने तथा कीमतों को स्थिर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पिछले एक साल में अरहर दाल के थोक मूल्य में करीब 3% की गिरावट आई है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं। उन उपायों के कारण अरहर दाल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की वजह से साल 2021 में कई दालों की कीमतों में बढ़त देखने को मिली थी। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22 फरवरी 2022 को अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 9,255 रुपये प्रति क्विंटल था, जो एक साल पहले इसी दिन 9,529 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2.87% की गिरावट को दर्शाता है। इसी तरह 21 फरवरी 2022 को अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 9,252 रुपये प्रति क्विंटल था, जो एक साल पहले इसी दिन 9,580 रुपये प्रति क्विंटल था। यह 3.42% की गिरावट है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मई 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों के पास दलहन भंडार का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया गया था। मूंग को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक सीमा 2 जुलाई 2021 को अधिसूचित की गई थी। बयान में कहा गया है कि इसके बाद 19 जुलाई 2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें चार दालों अरहर, उड़द, मसूर, चना पर 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा तय की गई। दालों की उपलब्धता में सुधार और कीमतों को स्थिर करने के मकसद से सरकार ने दलहनों को सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक मुक्त श्रेणी के तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी थी। अरहर और उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। बयान में कहा गया है कि आयात संबंधी नीतिगत उपायों के परिणाम स्वरूप पिछले 2 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में अरहर, उड़द और मूंग के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।